अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा टेक्नो कैमन 15 के बारे में। कल ही इसके दो फ़ोन लॉन्च हुए हैं, एक टेक्नो कैमन 15 है, एक इसका प्रो वर्जन। तो आज सिर्फ मैं टेक्नो कैमन 15 की बात करूंगा और इसकी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी लोगों को कि इसमें चिपसेट यूज़ कौन सा हुआ है, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, और आज का लाइक टारगेट है 5 लाइक, तो वो भी पूरे कर देना। इस फ़ोन के अंदर आपको मीडिया टेक का P22 चिपसेट देखने को मिल जाता है। जो P35 चिपसेट है वो इसके प्रो वर्जन में यूज़ किया गया है। काफ़ी प्यार हो गया इनफिनिक्स को P22 से, लोएस्ट पी सीरीज़ के ये चिपसेट यूज़ करता जा रहा है, जैसा कि G70 इस तरह का कोई भी चिपसेट यूज़ नहीं कर रहा। तो इसी वजह से इसके फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पहले तो हाइप क्रिएट कर चुके थे और लोग खरीदते थे, अब परफॉर्मेंस की वजह से ये नीचे जाना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर चिपसेट ये अच्छे इसमें लगाना शुरू कर दें तो काफ़ी अच्छा मार्केट को ये कैप्चर कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 4 GB रैम है, 64 GB की स्टोरेज है, और जो इसमें CPU दिया गया है वो ओक्टा कोर में है 2.0 GHz। इधर जो कोटेक्स यूज किए गए हैं वो A53 हैं, अच्छी हैं ये भी ओक्टा कोर की ये चिपसेट भी, लेकिन इसी बजट के अंदर आपको इससे अच्छे ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। EMMC 5.1 स्टोरी टाइप देखने को मिल जाती है। क्वाड रेयर कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें मेन कैमरा 48 MP का है, बाकी के कैमरे एज अ नंबरिंग के लिए ही आप कह सकते हैं। 2 MP का मैक्रो है, 2 का डेप्थ सेंसर है, और फ्रंट की बात करें 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इस फोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि रियर माउंटेड है। बैक पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी है जिसमें कोई भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल चार्जर है 10 W का 2 A के साथ, वो भी अच्छा है। 3 घंटे के अंदर आपकी बैटरी चार्ज कर देगा फुल में। प्राइस है इसकी होनी चाहिए थी अंडर 20,000, तो फिर ये फोन एक अच्छा ऑप्शन था आपके लिए, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा फेमसिटी के लिए जो इसने ऐड वगैरह क्रिएट किए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा ये लगाता है अपने एड्स कमर्शियलाइज के लिए, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा हायर इसकी प्राइसेस हैं। तो क्या आप इस फ़ोन को लेना पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हैं चैनल पर। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।